हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा फिर से एक बार आप फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हमारा जो भी वीडियो बनता है एक विशेष टॉपिक होता है और मेरा मकसद यही होता है कि जितना क्रीम है उस चैप्टर का आपको निकाल के दे दे। आप नहीं भी सीखे कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ाता है वो आपसे ज्यादा सीख जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये मैं नहीं कर रहा, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो मेरा मकसद होता है कि अधिक से अधिक मैं सीख पाऊं और आप लोगों को भी सिखा पाऊं, है ना। तो इसलिए मैं जितने भी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं उसको मैं छाट के आपके सामने लेके आता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है शोल्डरिंग और ब्रीदिंग, ठीक है ना दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है शोल्डरिंग और ब्रीदिंग। क्या है भैया? शोल्डरिंग और ब्रीदिंग। क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन में आते हैं और आ भी रहे हैं, शोल्डरिंग और ब्रीदिंग से क्वेश्चन एक या दो आते हैं और आपका एक नंबर। मैंने बोला है ना कि हर वीडियो मेरा आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा, आप केवल ध्यान से पढ़े और कुछ चीजों को जो है नोट किया कीजिए, आप कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए और लिखा भी कीजिए उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है शोल्डरिंग और ब्रीदिंग। शोल्डरिंग होता क्या है, शोल्डरिंग होता क्या है समझिएगा पहले। शोल्डरिंग पतली सीटों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाती है, शोल्डरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? दो सीटों को जोड़ना ही क्या कहलाती है, शोल्डरिंग कहलाती है। पतली सीट कहने का अर्थ है जो बक्सा बनाने के लिए चादर का प्रयोग करते हैं, वही जो होता है सीट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सीट कहलाता है। अब देखिएगा, शोल्डरिंग और ब्रीदिंग दोनों एक ही चीज है, लेकिन शोल्डरिंग जो है अस्थाई है और ये जो है अस्थाई जोड़ है। पूछा जाएगा आपसे शोल्डरिंग किस तरह के जोड़ है, फास्टनर में आपको पढ़ना होगा, लेकिन हम यहाँ क्लियर करते चलेंगे। शोल्डरिंग जो है अर्धस्थाई जोड़ है और ब्रीदिंग जो है अस्थाई जोड़ है। कौन सा जोड़ है भैया? अस्थाई जोड़ है। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। शोल्डरिंग में शोल्डरिंग आयरन की बात आती है और शोल्डर की बात आती है। शोल्डरिंग में शोल्डरिंग आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और शोल्डर इंपॉर्टेंट रहता है। अब शोल्डरिंग आयरन किसको कहते हैं, शोल्डर क्या है, आपको मालूम होगा या नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं। शोल्डरिंग आयरन, शोल्डरिंग करने के लिए जो एक देखिएगा ऐसे जिस तरह हम लिखने के लिए पेन का यूज करते हैं, उसी तरह शोल्डरिंग के लिए एक बड़ा सा पेन यूज करते हैं हम लोग, टॉर्च नुमा यूज करते हैं ना, वो क्या कहलाएगा? शोल्डरिंग आयरन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? शोल्डरिंग आयरन कहलाएगा। और जो शोल्डर, जो पतला सा वायर यूज करते हैं, हम पिघलाते हैं जो पतला सा वायर यूज करते हैं जोड़ने के लिए, वो क्या कहलाता है बड़ा? शोल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? शोल्डर कहलाता है। अब पूछता है क्वेश्चन कंपटीशन में ये पूछा जाता है, शोल्डरिंग आयरन का टिप किस धातु का बना होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शोल्डरिंग आयरन का टिप किस धातु का बना होता है। तो आपको बताना है तांबा किस चीज का बना होता है भैया? तांबा का। तांबा अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कॉपर। क्या होगा भैया? कॉपर, है ना। तो आपको एक नंबर याद हो गया, शोल्डरिंग आयरन का पॉइंट किस चीज का बना होता है, तांबा का बना होता है। तांबा कॉपर का क्यों बना होता है? क्योंकि यह विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है और उसमें का भी बहुत बढ़िया सुचालक होता है। अब आ जाइएगा शोल्डर बताए ना आपको, शोल्डरिंग करने के लिए जो पतला वायर नुमा यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? शोल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? शोल्डर कहलाता है। शोल्डर जो होता है सीसा और टीन का मिश्रण होता है। शोल्डर क्या होता है? सीसा और टीन का मिश्रण होता है। इसको आप देखे होंगे 63% और 37% क्या होता है? टीन। ये नॉर्मल चीज हमको मिलता है, ये आपको याद नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। 63% सीसा और 37% टीन। नॉर्मल अगर सोल्डिंग बुक में पढ़ा जाए तो यही लिखा मिलेगा कि 63% सीसा और 37% क्या होता है? टीन होता है, है ना। इसको याद नहीं करना है आपको, याद कहाँ करना है हम आपको बताएंगे। केवल आपको इतना याद रखना है शोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है, जिसका गलनांक होता है 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस। कितना गलनांक होता है भैया? 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपको केवल एक ही क्वेश्चन दे दे कि इसका गलनांक कितना होता है, तो आप 255 के
पांच कम दे देगा या चार कम दे दे या दो कम दे दे, बस उसी के अंदर में आएगा, आपको मार देना है कि शोल्डर का गमान इतना होता है, याद करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, शोल्डर का गमनांक तो हम लोग पढ़ लिए, अब शोल्डर का गमनांक किस धातु पर डिपेंड करता है, धातु सॉरी उसमें कुछ मिलाया जाता है कि शोल्डर जल्दी गले और देर से गले, है ना, उसके लिए जो है गलनांक को कम करने की बात आए, गलनांक को कम करने के लिए, शोल्डर के गलनांक को कम करने के लिए बिस्मिथ, बिस्मिथ धातु को मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है भैया, बिस्मिथ, लिख लीजिएगा कॉपी में, शोल्डर के गलनांक को कम करने के लिए हमें मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है, तो बिस्मिथ, और गलनांक बढ़ाना हो तो क्या मिलाएगा, एंटीमनी, क्या मिलाएगा भैया, एंटीमनी का प्रयोग करते हैं, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फ्लक्स की, ये तो हमारा सोल्डिंग हो गया, अब बात करते हैं किसकी, फ्लक्स, फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स देखिएगा आप दिनों देहात में समझिएगा, जब आप कोई वायर की सोल्डिंग कराने जाते हैं तो वहां देखिएगा एक पेस्ट नुमा, एक चिनोटी टाइप का डिब्बा होता है गोल, उसमें एक पेस्ट रहता है, वही वो जो है तार में पहले जोड़ने से पहले तार को क्या करता है, पेस्ट लगा देता है दुकानदार, तो वही पेस्ट जो क्या है फ्लक्स है, क्या है फ्लक्स है, फ्लक्स का काम क्या है, उसपे जो जमा हुआ कार्बन का परत है ऑक्सीडाइजेशन की क्रिया कराती है, जिससे वो कार्बन क्या होता है साफ हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फ्लक्स का उपयोग करते हैं। फ्लक्स आपको जानना चाहिए, फ्लक्स एक तरह का पेस्ट है जो सोल्डिंग करने से पहले लगाया जाता है, जिससे जो होता है कार्बन की परत हटाई जा सके और सोल्डिंग शुद्ध तरीके से हो, है ना। फ्लक्स, फ्लक्स भी दो तरह के होते हैं, फ्लक्स कितने तरह के होते हैं भैया, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से फ्लक्स होते हैं, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स, कितने तरह के होते हैं फ्लक्स, दो तरह के होते हैं, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। अब देखिएगा कोरोसिव फ्लक्स जो होता है इसमें जो होता है क्षार तेजाब का उपयोग किया जाता है, कोरोसिव फ्लक्स बनाने में किसके उपयोग किया जाता है, क्षार और तेजाब का प्रयोग किया जाता है। सुने होंगे तेजाब कितना खतरनाक चीज है, है ना, तो तेजाब अगर हम किसी अपने जॉब पे डालते हैं तो वो क्या होता है, वो जॉब अगर कमजोर पड़ेगा तो वो जॉब क्या होगा, खराब हो जाएगा, नष्ट भी हो सकता है, कई औजारों पर भी ये नुकसानदेह होता है तेजाब, इसलिए जो है दो तरह के बनाए गए फ्लक्स, कोरोसिव फ्लक्स में क्षार और तेजाब की मात्रा पाई जाती है, नॉन कोरोसिव फ्लक्स में जो होता है क्षार और तेजाब की मात्रा जिस फ्लक्स में नहीं पाई जाती है वो नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहलाती है, है ना। अब आ गया ये हम, कोरोसिव फ्लक्स तीन तरह के होते हैं, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा होता है अमोनिया क्लोराइड। कोरोसिव फ्लक्स कितने तरह के होते हैं भैया, तीन तरह के होते हैं, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड और तीसरा होता है अमोनिया क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का प्रयोग किस धातु पर किया जाता है, मैंने यहाँ पढ़ाते चले हैं, पीतल, टीन, सोना, चांदी के लिए जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। और दो नंबर है हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कोशिश कीजिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो पुश करके, वीडियो को पुश करके आप लिख लिए कीजिए नोट्स में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक फ्लक्स, इसमें इसका उपयोग होता है गैल्वेनाइज्ड शीट या जस्ताकृत लोहे के लिए किया जाता है। अब तीन नंबर की बात करते हैं अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड का उपयोग होता है आयरन शीट, तांबा, ज्यादातर आप याद रखिएगा अमोनिया क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग तांबा के लिए किया जाता है। और रेजिन का उपयोग जो होता है, देखिए नॉन कोरोसिव फ्लक्स में आपको बता रहे हैं, रेजिन का उपयोग जो होता है इलेक्ट्रिक सामान के लिए किया जाता है, रेजिन का गलनांक जो होता है 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब दो नंबर देखिएगा टेलो, टेलो जो होता है चर्बी, जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है, इसका उपयोग जो होता है प्लम्बर लैड शीट, प्लम्बर कार में शीट का जो प्लम्बरिंग होता है उसमें जो होता है फ्लक्स के रूप में टेलो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है तीन नंबर में पेस्ट अब देखिएगा पेस्ट की बात की जाए, देखिएगा
की बात की जाए तो जिंक क्लोराइड प्लस रेजिन प्लस ग्लिसरीन तीनों चीज को मिला के क्या बनाया जाता है, हमारा पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट जो होता है इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ने के लिए किया जाता है। और सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट नॉन कोरोसिव फ्लक्स में सुहागा, सुहागा जो है बोरेक्स, सुहागा को इंग्लिश में कहते हैं बोरेक्स, ब्रेजिंग में उपयोग किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रेजिंग में पूछता है, ब्रेजिंग कार्य में फ्लक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। या तो सुहागा लिख देगा या इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देगा बोरेक्स, तो आपको याद हो रहेगा क्या बोरेक्स। अब बात करते हैं सोल्डरिंग में आने वाली विशेष शब्द, जैसे होता है पहला देखिएगा क्रैक स्टॉप, क्या होता है क्रैक स्टॉप, देखिएगा जब हम सीट की कटिंग करते हैं तो यहाँ क्या होता है फट जाएगा, उस फटने से रोकने के लिए जो यहाँ छिद्र किया जाता है वो क्या कहलाता है क्रैक स्टॉप कहलाता है। कटिंग तो आप जानते हैं सीट से काटना कटिंग कहलाएगा। और बीम तीन नंबर में चलेगा बेंडिंग, सीट को मोड़ना क्या कहलाता है बेंडिंग कहलाता है। और पंचिंग आप जानते ही हैं है ना, पंचिंग जानता है ना भैया, पंचिंग क्या कहलाता है सीट मेटल पर पंच द्वारा होल बनाना क्या कहलाता है पंचिंग कहलाता है। पांच नंबर देखिएगा सीमिंग, सीट को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है सीमिंग कहलाता है। और छह नंबर देखिए वायरिंग, वायरिंग जो होता है सीट में किनारे वायर देके मोड़ना है क्या कहलाता है वायरिंग कहलाता है। सात नंबर जो होता है हॉलोइंग, हॉलोइंग जो होता है सीट में होल बनाना जो होता है हॉलोइंग कहलाता है। डेंटिंग आठ नंबर देखिएगा डेंटिंग, डेंटिंग में होता है सीट में पड़े गड्ढों को, सीट में पड़े गड्ढों को सीधा करना क्या कहलाता है डेंटिंग कहलाता है। और नौ नंबर स्पिनिंग, स्पिनिंग विधि द्वारा जो होता है बर्तन बनाए जाते हैं। दस नंबर देखिएगा प्लेनेसिंग, प्लेनेसिंग में जो होता है प्लेनेसिंग में होता है सीट को जो होता है सम टेढ़ी मेढ़ी आकृति को सीधा किया जाता है वो क्या कहलाता है प्लेनेसिंग कहलाता है। और रिवेटिंग तो आप जानते हैं रिवेट द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है रिवेटिंग कहलाता है। और सोल्डिंग जो होता है सीट मेटल को आपस में जोड़ना सोल्डिंग कहलाता है। अब कुछ रोचक तथ्य दिखेगा, अब देखिएगा हम लोग कुछ विशेष छाटे हुए हैं याद करने हैं। अगर पीतल की सोल्डिंग की बात की जाए, अगर पीतल की सोल्डिंग की बात की जाए तो टीन 66% और लेड जो होता है 34% का मिश्रण होता है। कितना होता है टीन 66% और लेड जो होता है 34%। अगर तांबे की सोल्डिंग करना हो तो टीन 66% और लेड 40%। नॉर्मल कई बार डीएमआरसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सॉफ्ट सोल्डिंग के लिए सोल्डर का उपयोग करते हैं तो हमेशा हम लोग ये तो 63-37 वाला मार देते हैं या 67-34 करके आता है वो मार देते हैं। लेकिन होता क्या है सॉफ्ट सोल्डिंग में 50% टीन होता है और 50% क्या होता है लेड होता है जिसे हम सीसा कहते हैं। और सोल्डिंग में अधिकतर बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 450 डिग्री के ऊपर ब्रेजिंग की जाती है और 450 डिग्री के नीचे क्या किया जाता है सोल्डरिंग किया जाता है ना। 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप याद कर जाइएगा 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो होता है ब्रेजिंग की जाती है और नीचे की बात की जाए तो क्या किया जाता है सोल्डरिंग किया जाता है। क्या किया जाता है भैया सोल्डरिंग। अब देखिएगा आइएगा ब्रेजिंग, ब्रेजिंग की बात की जाए तो ब्रेजिंग कैसे जोड़ है अस्थाई जोड़ है, इसका भी काम है दो सीटों को आपस में जोड़ना ब्रेजिंग। लेकिन इसके द्वारा जोड़ा गया क्या जोड़ क्या होता है अस्थाई होता है। ब्रेजिंग जो है मैग्नीशियम एलॉय धातु को छोड़कर, मैग्नीशियम एलॉय धातु को छोड़कर कहने का अर्थ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से जो एलॉय से जो धातु बना होगा उस धातु को छोड़कर सभी धातुओं की ब्रेजिंग की जा सकती है। आपसे पूछ सकता है मैग्नीशियम धातु की ब्रेजिंग की जा सकती है तो आप कहिएगा नहीं है ना, या ऑप्शन में आ जाएगा लिख देगा तांबा पीतल टीन और मैग्नीशियम ब्रेजिंग की जा नहीं जा सकती तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं एस्पिलेटर, एस्पिलेटर, एस्पिलेटर
रोग शुद्ध घबरा जाता है। स्प्लेटर कुछ नहीं है, जिस तरह हम सोल्डिंग में जोड़ लगाने के लिए सोल्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह ब्रेजिंग में जिस धातु का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए, वो क्या कहलाता है? स्प्लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? स्प्लेटर कहलाता है। स्प्लेटर जो है आमतौर पर तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है भैया? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता किस धातु में पाया जाता है? मिश्रण किसका होता है? पीतल का। पीतल का मिश्रण होता है तो पीतल का एक छड़ यूज किया जाता है, जब आपको बता दे रहे हैं। स्प्लेटर वही है। और कितना भाग होता है? 2/3 भाग तांबा होता है, 1/3 भाग क्या होता है? जस्ता होता है उसमें, है ना। स्प्लेटर में, स्प्लेटर का गलनांक जो होता है 600 डिग्री सेल्सियस होता है। स्प्लेटर की गलनांक की बात की जाए तो कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस होता है। आप याद कर दीजिएगा, अब पूछा जाएगा। अच्छा, स्प्लेटर एक स्प्लेटर हो गया, वो होता है सिल्वर स्प्लेटर। माने सिल्वर माने चांदियों को जोड़ में जो सोल्डर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिल्वर स्प्लेटर कहलाते हैं। इसमें जो होता है ये महंगा होता है भाई, जाहिर सी बात है, चांदी सोने जोड़ाएगा तो महंगा होगा ही, है ना। सिल्वर स्प्लेटर में जो है 5 भाग तांबा और 3 भाग जस्ता और 2 भाग जो होता है चांदी का मिश्रण होता है सिल्वर स्प्लेटर। याद कर जाइएगा, सिल्वर स्प्लेटर में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? 5 भाग तांबा, 3 भाग जस्ता और 2 भाग चांदी, ना। अब इसमें क्वेश्चन निकल के आता है, पूछता है कि सोल्डिंग जोन खुलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो आप बताइएगा 450 डिग्री के सेल्सियस पर जो होता है सोल्डिंग जोन खुल जाता है। जाहिर सी बात है 300 डिग्री तापमान तक तो उसको जो है सोल्डिंग कर सकते हैं। अब उससे ज्यादा होगा तो सोल्डिंग नहीं होगा। अब ब्रेजिंग जोर खुलता है, ब्रेजिंग जोर कितने डिग्री सेल्सियस खुलता है? तो 950 डिग्री सेल्सियस पर खुलता है। लेकिन ये तो अस्थाई जोड़ है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको बता दें, हमारे चैनल से आप जुड़ने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए मेरा फेसबुक ग्रुप है फिटर टॉपिक स्टडी के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप चलता है फिटर टॉपिक स्टडी के नाम से, और यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप कहीं भी जुड़ सकते हैं और आप उनसे जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहें आप कर सकते हैं। और आपका कोई सुझाव हो तो हमें कॉमेंट में जरूर लिखे, या कोई टॉपिक आपको भारी लगता है जिसको आपको समझ नहीं पाते हैं तो हमें लिखिएगा, तब ना जानेंगे। हमको भी बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बस हमारा मकसद है अच्छी सीख देना, बकवास नहीं करना यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।